नमस्कार, मैं भारतीय लोकवाणी में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भिलवाड़ा से। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने गुरुवार को एसडीएम ऑफिस भिलवाड़ा के सहायक प्रशासनिक अधिकारी कृष्ण कुमार चौबे को 2500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। ब्रजराज सिंह चारण ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड निवासी प्रवीण जैन ने एसबी में चौबे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। एसडीएम कोर्ट भिलवाड़ा में इस मामले में केस चल रहा है। इस विवाद में जगदीश तोदी ने परिवादी प्रवीण जैन को सभी कार्यवाही संपादित करने के लिए अपनी ओर से अधिकृत कर रखा था। आरोपी चौबी ने उत्तवाद में जल्दी जल्दी तारीख पेशिया देने की एवज में प्रवीण जैन से 5000 रुपए की रिश्वत की मांग की। इस शिकायत का सत्यापन करवाया तो प्रथम सत्यापन के दौरान 1000 व द्वितीय सत्यापन के दौरान 1500 रुपए ग्रहण किए। शेष 2500 रुपए की राशि गुरुवार को परिवादी से प्राप्त कर आरोपी चौबी ने पहनी हुई शर्ट की बाई जेब में रखे। इस दौरान एसबी की टीम ने मौके पर पहुंचकर रिश्वत राशि 2500 रुपए बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भिलवाड़ा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्रजराज सिंह चारण ने लोकवाणी के माध्यम से आमजन से अपील करते हुए कहा कि सरकारी कार्यालयों में काम के लिए जान पूछ कर टाल मटोल कर अगर रिश्वत राशि देने के लिए मजबूर किया जा रहा हो या रिश्वत राशि की मांग की जा रही हो तो परिवादी बेझिझक कृषि मंडी स्थित ब्यूरो कार्यालय में आकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। बीएल सोनी साहब और एडीजी दिनेश एनएम सर के साथ ही भिलवाड़ा में ब्रजराज सिंह जी चारण साहब के निर्देशन में लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो की जो भिलवाड़ा की दोनों टीमें हैं कार्रवाई कर रही है और जो रिश्वतखोर हैं उनको पकड़ रही है। आज भी एसडीएम कार्यालय में निरीक्षक एक कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। क्या है पूरा मामला, आइए हम जानते हैं एंटी करप्शन ब्यूरो भिलवाड़ा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्रजराज सिंह जी चरण साहब से। जी सर, आज जो कार्रवाई हुई है क्या है सर पूरी? आज हमने एक ट्रैप किया है एसीबी स्पेशल यूनिट भिलवाड़ा द्वितीय द्वारा, जिसमें परिवादी श्री प्रवीण जैन से हमें शिकायत प्राप्त हुई थी और आरोपी श्री कृष्ण कुमार पुत्र ओंकार लाल चौबे जो कि एक सहायक प्रशासनिक अधिकारी है उपखंड कार्यालय में, इनको रिश्वत राशि 2500 रुपए ग्रहण करते हुए को मौके पर पकड़ा है। और ये रिश्वत राशि उन्होंने परिवादी का जो वाद लंबित था उपखंड कार्यालय में उसमें निकटतम पेशियां देने व वाद की जो कार्रवाई है उसको सुचारू चलाने की एवज में मांगे थे। इसमें जो है मांग का सत्यापन कराया गया, सत्यापन से पुष्टि होने पर जो है ट्रैप का आयोजन किया गया है। सर, प्रदेश में जो कार्रवाई निरंतर जारी है उसके बाद भी सर जो भ्रष्टाचारी हैं उन पर अंकुश लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, साथ ही ये जो कार्रवाई यहाँ लगातार जारी है, आम जन से या जो पीड़ित है सर उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? या अपना कोई कार्यालय का कोई नंबर है या एंटी करप्शन ब्यूरो किस प्रकार जो परिवादी है जो पीड़ित है या जिनका समय पर कार्य नहीं हो रहा है या जानबूझकर जिनको लटकाया जा रहा है, कैसे एंटी करप्शन ब्यूरो उनका साथ दे सकता है और किस प्रकार अपन उनसे उनको भ्रष्टाचारियों से मुक्ति दिला सकते हैं सर? जी 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 सर, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये कि इस मुहिम में जो है जन प्रचार की मुहिम में मीडिया का बहुत बड़ा सहयोग सबको मिला है, हमें मिला है। आदरणीय डीजी साहब सोनी साहब ने भी कई जो है मौक़ों पर 1064 के प्रचार के संबंध में प्लस एक व्हाट्सएप नंबर है जिससे पूरे राजस्थान लेवल की शिकायतें समग्र रूप से प्राप्त होती है, इसके प्रचार प्रसार के लिए भी काफ़ी प्रयास किए हैं। और सबसे बड़ी बात, आप मीडिया सभी महानुभावों का बड़ा बहुत बहुत सराहनीय प्रयास रहा है। तो मैं आपको केवल यही कहना चाहूँगा कि ये एक सतत प्रक्रिया है और मुझे लगता है कि लगातार जो है प्रचार प्रसार से और बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ रेगुलरली होते रहने से एक जनमानस में एक ऐसी छवि जरूर आएगी मुझे लगता है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है लोग जागरूक भी हो रहे हैं और अच्छी अच्छी कार्रवाइयाँ भी सामने आ रही है। बस यही है कि जो है सामान्य जनता जो रिश्वत का जब ऑफर करती है तो कहीं ना कहीं देने वाला और लेने वाला जो है परस्पर किसी मनोभाव से काम करते हैं, बट अगर सभी जो है गुणवत्ता को फॉलो करने की बात करें या सही कार्रवाई सत्यनिष्ठ होकर के कार्रवाई करना चाहें तो मुझे लगता है धीरे धीरे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। सर, जो परिवादी होता है उसके मन में डर रहता है कि कहीं मैं एंटी करप्शन ब्यूरो में जाऊंगा या टीम के पास जाऊंगा तो जो मेरी फाइल है उसको जानबूझ के इसको लंबा खींच दिया जाएगा या मेरा काम नहीं हो पाएगा, ऐसी भी एक भ्रांति परिवादियों के मन में रहती है, उनको किस प्रकार निजात दिलाएंगे सर? बिल्कुल, देखो सही बात कही आपने, कई बार परिवादियों के मन में ये धारणा रहती है और भय भी रहता है
और सामान्यतया रहता ही है। एक आज अपन जो है अपने जो परिवेश की बात करें तो इतने लोग जागरूक नहीं हैं, पुलिस की वर्दी देख करके डर जाते हैं कई बार, तो ये होता है। प्लस जब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की बात आती है तो वो ये समझते हैं कि हम जाएंगे कहीं हमारे फाइल पचड़े में पड़ जाएगी, हमारा कहीं नाम आएगा। पर अब आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि राज्य सरकार जो है उन्होंने भी परिपत्र जारी किया है, प्लस ऐसे भी डिपार्टमेंट है वो खुद इसको फॉलो करता है कि उनका परिवादियों का काम अटके नहीं। और इवन जो है अभी आपने बीच में सुना हो तो इनको परिवादियों को सम्मानित करने की भी डीजी साहब द्वारा पहल की गई है। तो मुझे लगता है कि ये काम बड़ा ही बहादुरी भरा काम ही है और इनको अप्रिशिएट करने के लिए पूरा विभाग सजग है। और आप सभी से मैं भी ये आपके माध्यम से अपील करूंगा कि आप निसंकोच होकर के शिकायत करें और जेन्युइन शिकायत होने पर ज़रूर ज़रूर कार्रवाई होती है। सर, परिवादी आपसे संपर्क करना चाहे तो किस प्रकार, किस माध्यम से और कहाँ कहाँ संपर्क कर सकता है? ऐसे कोई आपके कॉन्टैक्ट नंबर हो, ऐसे कोई जो टोल फ्री नंबर है जिससे संपर्क करके आपको अपनी पीड़ा बता सके? राजस्थान लेवल पर तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया 1064 के नंबर है, ये 1064 टोल फ्री नंबर है, तो उस पर आप राजस्थान के किसी भी हिस्से से डायल करके अपनी बात बता सकते हैं। तो वो एकीकृत रूप से राजस्थान जयपुर जो मुख्यालय है वहाँ पर अटेंड होता है और जिस जिले की कार्रवाई होती है तो वहाँ उसको डाइवर्ट किया जाता है, उसकी मॉनिटरिंग भी की जाती है। तो 1064 है ही है, इसके अलावा जैसे स्थानीय चौकी के नंबर भी है, उन पर भी आप संपर्क करें, स्थानीय अधिकारियों के मोबाइल नंबरों पर भी संपर्क करके जो है शिकायत दी जा सकती है। बिल्कुल, तो प्रदेश का भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भ्रष्टाचारों पर अंकुश लगाने के लिए तत्पर है, साथ ही हम भी अपने लोकवाणी चैनल के माध्यम से एंटी करप्शन ब्यूरो की जो दोनों टीमें हैं उनका समय समय पर कार्य दिखाते हैं। साथ ही हम भी अपने लोकवाणी चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि आपको भी अगर कोई सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार के लिए या रिश्वत के लिए परेशान कर रहा हो तो जो टोल फ्री नंबर है 1064 पर टोल फ्री नंबर पर आप शिकायत कर सकते हैं, या कृषि उपज मंडी स्थित एंटी करप्शन ब्यूरो के जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्रजराज सिंह चरण साहब हैं इनसे संपर्क कर अपने जो भ्रष्टाचार करने के लिए जो आपको मजबूर कर रहा है या आपको जो परेशान कर रहा है उनकी शिकायत आप यहाँ निसंकोच होकर कर सकते हैं। लोकवाणी के लिए मैं बिलोड़ा से प्रहलाद तेली। युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से दूर कर खेलों की ओर जोड़ने के साथ ही सेना में भर्ती होने के इच्छुक युवाओं को खेलकूद व अन्य सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराने की मुहिम में जुटे हनुमान सेवा मंडल बड़ी हंडी व मुडलाइट फिटनेस सेंटर द्वारा छठी वेट फिल्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन बड़ी हंडी स्थित गुड लाइफ फिटनेस सेंटर में आयोजित हुई। गुड लाइफ फिटनेस के मोहन जाट ने बताया कि इस प्रतियोगिता में प्रथम श्रेणी में निर्मल सालवी ने 120 किलो, राजू मेवाड़ा ने 110, गोविंद कुमार तेली ने 110, राजू सालवी ने 90 किलो, सोनू सेन ने 90 किलो व द्वितीय श्रेणी में धर्मराज बेरवा ने 85, सुखदेव खारोल ने 80, धर्मराज जाट ने 75, कुलदीप कामर ने 70 किलो, रवि कर्मा ने 70 किलो व काना ओर ने 75 किलो भार उठाया। इस मौके पर विजेता खिलाड़ियों को सूर्यधाम आश्रम के महंत लाल बाबा व पार्षद शिवलाल जाट ने मेडल व प्रशासित पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं इस मौके पर हरणी महादेव सेवा समिति से जुड़े महादेव जाट, सरदार फाउंडेशन के मुकेश जाट, रामलाल नागा, राजू गुजर सहित कई गणमान्य जन नागरिक मौजूद रहे। मरते हुए इंसान की सांसों को दौलत से खरीद कर मृत्यु को रोका नहीं जा सकता, परंतु राम नाम की स्तुति करने से मानव अपने जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति पा सकता है, पर भक्ति में शक्ति होने पर ही संभव हो पाएगा। दौलत से नहीं, राम द्वारा माणिक्य नगर में महाप्रभु रामचरण जी महाराज के प्राकट्य महोत्सव के चल रहे आयोजन के तहत पांचवें दिन रामस्नेह संप्रदाय के जगत गुरु स्वामी रामदयाल महाराज ने सत्संग के दौरान श्रोताओं से कहे। इस दौरान मावला खाचरोत से संत तोताराम ने कहा कि इंद्रियों को कंट्रोल करके नियम व्रत से चलने वाला इंसान सद्मार्ग प्राप्त कर सकता है। जाजपुर से आए रामस्नेही संत ललित राम तथा भंडारी संत हर्षुक राम, रामानुराग, ईश्वर राम आदि संतों ने भजन व सत्संग करके धर्म की राह बताई। राम द्वारा ट्रस्ट के अशोक अजमेरा ने जानकारी देते हुए बताया कि सायंकाल रामस्नेही आचार्य रामदयाल महाराज के सानिध्य में रामचरण जी महाराज प्राकट्य महोत्सव के उपलक्ष में कार्यक्रम में पधारे रामस्नेही संतों और श्रद्धालुओं ने राम नाम का जप करते हुए जागरण किया। ज्ञानी गुणी मनीषी भक्ति प्रचारक पावन संत जन,
मानती शक्ति हूँ। 21/2/21 से 21/2/26 तक हम महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज के वैचारिक आध्यात्मिक अलौकिक गुण गान का चिंतन कर रहे हैं। आज गुरु पुष्य है, अभिजीत पहुंचते हैं। जैसे किसी कार्य में सफलता न मिलती हो वो आज कार्य स्वारंभ कर सकते हैं। किसी का मन भक्ति में न लगता हो तो आज गुरु पुष्य है, अभिजीत मुहूर्त से भक्ति शुभारंभ कर ले, उसके जीवन में भक्ति जा। बिलवाड़ा शहर में स्थित 800 वर्ष पुराने हरणी महादेव मंदिर के शिखर ध्वज स्थापना के 92 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गुरुवार को मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान व जन प्रतिनिधि सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें मंत्रोच्चारण के साथ मंदिर के शिखर ध्वज को बदला गया। इस दौरान लोगों ने देश को कोरोना मुक्त और सुख शांति बनाए रखने की कामना की। अनुष्ठान के बाद आयोजित जन प्रतिनिधि सम्मान समारोह में सभापति राकेश पाठक, पूर्व डेयरी चेयरमैन रतनलाल चौधरी, पूर्व सभापति और पूर्व सभापति मंजू पोखरना सहित कई जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया गया। के समीप स्थित हरणी महादेव मंदिर को आज यहाँ जो स्वर्ण कलश चढ़े हुए 51 वर्ष पूर्व हो गए। आज के 51 वर्ष पूर्व माघ सुदी 13 विक्रम संवत 1969 को तत्कालीन मेवाड़ के महाराणा भगवत सिंह जी के साथ ही जगतगुरु शंकराचार्य जी और निम्बार्क आश्रम सलेमाबाद के पीठाधीश्वर श्री जी महाराज के श्री कमलों से ये जो मंदिर का जो स्वर्ण कलश यहाँ चढ़ाया गया था। और 51 वर्ष से लगातार इस मंदिर ने उत्तरोत्तर प्रगति की है। साथ ही हम देख सकते हैं कि यह मंदिर आज भीलवाड़ा जिले का सबसे बड़ा शिवालय है और यहाँ पर विभिन्न आयोजन होते हैं। साथ ही नगर परिषद द्वारा यहाँ पर शिवरात्रि को 3 दिवसीय मेले का भी आयोजन होता है। साथ ही हरणी महादेव मंदिर ट्रस्ट और यहाँ की जो सेवा समिति है समय समय पर यहाँ पर इस मंदिर की योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए कई नए नए कार्य यहाँ कर रही है। हमारे साथ मौजूद है हरणी महादेव के पुजारी जी भगतीलाल जी, इनसे जानना चाहते हैं कि ये जो आज कार्यक्रम हो रहा है इसका क्या इतिहास है, कितने वर्ष पुराना ये मंदिर है? हरणी महादेव मंदिर बहुत पुराना है, 700-800 वर्ष पुराना है। इस मंदिर की सारी देख रेख दरक परिवार से शुरू से होती आ रही है। 1964 में नीम का मुहूर्त था वायव्य कोण में और 69 में कलश चढ़े थे, उस समय जगतगुरु शंकराचार्य जी पधारे थे और चारों दिशाओं वाले सारे जगतगुरु पधारे थे। भगवत सिंह जी दरबार पधारे थे, सबकी चरण कमलों से हाथों से भगवान शंकर के 7 दिन का अनुष्ठान हुआ था, पंचकुंडी यज्ञ हुआ था, उसमें बसंत पंचमी से 13 तक कार्यक्रम चला था। बानपुरा वाले श्री जी महाराज इत्यादि सभी पधारे थे। बिल्कुल, हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरणी महादेव मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सुशील जी दरक साहब, इनसे जानना चाहते हैं कि किस प्रकार आप यहाँ की जो मंदिर की व्यवस्थाएं संभालते हैं। जी सर, यहाँ की व्यवस्था में ये है कि जो भी नए सिरे से डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, कुछ जनता के लिए व्यवस्था ये करना चाह रहे हैं कि टीन शेड वगैरह लगाना, पानी का इंतजाम करना, पीने का इंतजाम करना, नल वगैरह इन सब सेटिंग करना, ये सारी व्यवस्था हम रेगुलर देख रहे हैं। और हम मुकेश जी हमारे साथ हैं सेवा समिति के, ये भी पूरा सहयोग। हरणी महादेव मंदिर ट्रस्ट के साथ ही यहाँ की जो हरणी महादेव मंदिर सेवा समिति जो कि ट्रस्ट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप में लगी है, उसके अध्यक्ष मुकेश जाट हमारे साथ मौजूद हैं। किस प्रकार सेवा समिति कार्य कर रही है यहाँ पे? सेवा समिति वैसे कोविड को देखते हुए तो मतलब मंदिर बंद था उस टाइम पे भी काफ़ी व्यवस्था संभाली थी, और अभी नया तौर पे मतलब देखा जाए तो मतलब जो भी यहाँ पर डेवलपमेंट का जो कार्यक्रम है वो सारा सेवा समिति संभालती है। अरणी महादेव को आपके सामने डेवलप होते देखा, कितना पहले थे अब क्या स्थिति है? लगभग आज 51 साल पूर्व महाराणा भगत सिंह जी मेवाड़ यहाँ आए और हम जब मैं छोटा था उस टाइम गाड़ी बेलू से आए और स्वागत हुआ, जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए, हरणी महादेव में बहुत बड़ा मेला लगा 7-8 दिन का, और आए और ये स्वर्ण कलश चढ़ाया गया मंदिर पे। आज से लगभग 51 वर्ष पूर्व की बात है और अभी जब से लगातार मंदिर भी बना है, उसके बाद सिक्कर भी अपने यहाँ सेवा समिति भी ये ट्रस्ट द्वारा सारा काम हो रहा है, और अभी कल गए साल से सेवा समिति और ट्रस्ट मिलकर दोनों ये जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और भी कुछ काम बाकी है इनकी नॉलेज में, फिर भी करेंगे। सारे आसपास के गांव वाले, हर मंदिर हर समाज का यहाँ मंदिर बना हुआ है, हर समाज की धर्मशाला बनी हुई है। 51 साल आज मंदिर को होने जा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, और फिर आगे अच्छा ही होगा, और अच्छा महसूस कर रहे हैं, और यह जो काम हुआ है वो अच्छा ही हुआ है।
हरणी महादेव सेवा समिति जुड़े हुए महादेव जी जाट बरसात मौजूद है, इनसे जान चाहते सर आज अच्छी तरह से यहाँ डेवलप हो चुका है, लेकिन किन चीज़ों की और अभी आप समिति के साथ मिलकर इसको अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं? सर अभी तो बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत है और आज हमने इस उपलक्ष्य में एक प्रोग्राम भी रखा है जिसमें अपने राकेश जी पाठक जो नगरपति के सभापति जी वो आ रहे हैं, उनसे हम सारी जो भी हमारी समस्या की और समस्या है उनसे हम अवगत कराएंगे उनको और चाहेंगे कि भाई हरणी महादेव में और ज़्यादा से ज़्यादा भक्त आए और उनके लिए अच्छी व्यवस्था हो। हमारे साथ अभी मौजूद है पार्षद प्रतिनिधि के रूप में पूर्व पार्षद शिवलाल जाट, इनसे जानना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में है नगर परिषद के आप प्रतिनिधित्व करते हैं और क्या क्या यहाँ डेवलपमेंट करवाना की आपकी है? ये एक हरणी महादेव शंकर भगवान का 700-800 साल पुराना मंदिर है, यहाँ पे हर साल शिवरात्रि का मेला लगता है, पूरे भीलवाड़ा की जनता आती है, नगर परिषद द्वारा व्यवस्था रहती है, मगर यहाँ से जो ट्रस्ट है और सेवा समिति जब से कोरोना काल लगा हुआ है उससे सेवा समिति का बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा है, उनकी व्यवस्था रही है वो सराहनीय है और मैं तो यही प्रशासन से और सरकार से यही नगर परिषद यही उम्मीद रखता हूँ कि यहाँ कोई अच्छा डेवलपमेंट हो, एक पर्यटक स्थल बने, ये भीलवाड़ा का ऐतिहासिक मंदिर है, मेरी तो यही मांग है कि यहाँ कोई अच्छा ऐसा कोई योजना हुआ अच्छा है कि जो हाँ यहाँ से पर्यटक बढ़ावा। तो हमने जाना कि यहाँ की जो ट्रस्ट है और सेवा समिति साथ ही नगर परिषद के जो प्रतिनिधि मिलकर इस धार्मिक पर्यटन स्थल को और नई ऊंचाई देने के साथ ही इसमें जुड़े हुए हैं। लोकवाणी के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट सांगानेर रोड भीलवाड़ा, मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and one hall, 20,000 square feet garden, well parking facility, nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. पिछले 14 वर्षों से आप सभी दर्शकों का लोकवाणी को मिला है भरपूर प्यार, अटूट विश्वास और कभी न छूटने वाला साथ। लोकवाणी ने भी आपके प्यार, विश्वास और मान का दिया है बराबर साथ। खबरें जो आप तक पहुंचे वो सच्ची और विश्वसनीय है, यही रहता है हमारा प्रयास। शहर सहित जिले भर की हर छोटी और बड़ी खबर पर होती है हमारी नजर और उन खबरों को तुरंत पहुंचाना होता है हमारा लक्ष्य। हर वर्ग और हर संगठन की गतिविधियों से आप हो रूबरू, यही होता है लोकवाणी का उद्देश्य। पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए सदैव कृत संकल्प है लोकवाणी। निरंतरता है लोकवाणी की पहचान, नवविधाओं और नवाचार का करता है सम्मान। बदलते दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदल रहा है अपने रंग, लोकवाणी भी चल रहा है बदलते दौर के संग। पिछले 14 वर्षों से लोकवाणी टीवी के साथ साथ यूट्यूब चैनल, फेसबुक और lokwani.tv वेबसाइट पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं। अब आपके पास होगा आपका अपना एक लोकवाणी ऐप, जिले, प्रदेश, देश विदेश की खबरों का ऐसा ऐप जो रखेगा आपको हर खबर से अपडेट। सच्ची खबरों का असली ऐप लोकवाणी ऐप। प्ले स्टोर पर टाइप करें लोकवाणी और डाउनलोड करें लोकवाणी ऐप इस लोगो के साथ। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा के सौजन्य से महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर स्थित राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में हर महीने की 27 व 28 तारीख को प्रातः 9 से 1 बजे तक दमा, अस्थमा, नया पुराना खांसी जुकाम, सांस की तकलीफ हेतु शिविर का आयोजन किया जा रहा है। चिकित्सक डॉक्टर अंजू वधवा, डॉक्टर देश दीपक वधवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां।
मंडलगढ़ तहसील के लाडपुरा गांव में भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। साथ ही भगवान विश्वकर्मा का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की गई। शोभा यात्रा गांव के मुख्य बाजार से होकर बस स्टैंड से छोटे मंदिर तक पहुंची, जहां ग्रामीणों ने जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत किया। वहीं महिलाएं शोभा यात्रा में गाजे बाजे के साथ नृत्य कर भगवान विश्वकर्मा जयंती को हर्षोल्लास से मनाया गया। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा द्वारा आयुर्वेदिक अस्पताल महात्मा गांधी परिसर में सुबह 9 बजे से 3 बजे तक लगाया जाएगा। इसमें दमा, अस्थमा, नई पुरानी खांसी, जुखाम, सांस की तकलीफ का शिविर आयोजन में किया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष उदयलाल समदानी ने बताया कि शिविर में डॉक्टर अनुराग शर्मा सभी रोगियों को देखकर निःशुल्क दवाइयां व भाप व परामर्श देंगे। शिविर की तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। धोबी समाज के राष्ट्रीय संत गांडके बाबा की जयंती पर भीलवाड़ा बसीटा धोबी समाज के द्वारा शिव मंदिर नेहरू उद्यान पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें समाज बंधुओं ने उत्साह के साथ भाग लिया और महिला शक्ति द्वारा पहली बार धोबी समाज के प्रथम रक्तदान शिविर में रक्तदान किया। नगर परिषद सभापति राकेश पाठक ने गांडके बाबा की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलित कर रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया और मुख्य अतिथि विधायक विठल शंकर अवस्थी, समाज सेवी जगदीश जी सी मानसिका, लादूलाल तेली, रामलाल योगी, सांसद प्रतिनिधि राजकुमार, अनमोल पाराशर, ललित अग्रवाल, पीयूष डाट आदि उपस्थित रहे। आज के राष्ट्रीय संत गाड़गे बाबा की 145वीं जयंती के उपलक्ष्य में भीलवाड़ा बसीटा धोबी समाज की तरफ से एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें समाज बंधु बड़ी तादाद में रक्तदान कर रहे हैं, अपने परिचितों को भी रक्तदान करवा रहे हैं और जागृति के लिए समाज में हम लोगों ने जो हमारे समाज के रक्तदाता हैं, जो रक्तवीर हैं, उन्हें हम सामाजिक बहुजन समाज के कैलेंडर दे रहे हैं, पर्यावरण के संदेश के लिए एक हम पौधा भी दे रहे हैं और धोबी समाज का ये संदेश है कि ऐसे रक्तदान, ऐसे सामाजिक सरोकार के कार्य भविष्य में होते रहे। बुधवार को मालोला पंचायत के जोरदास गांव में बाल व महिला चेतना समिति द्वारा राशन, बच्चों के लिए स्टेशनरी व पोषाहार वितरण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भीलवाड़ा की उपखंड अधिकारी ओम प्रभा ने शिरकत की। कार्यक्रम के प्रारंभ में समिति की अध्यक्ष श्री मती तारा द्वारा स्वागत उद्बोधन में कहा गया कि संस्था के साथ जुड़े वॉन्टी ट्रियस अंशुल देव जुबेर द्वारा पिछले वर्ष 1 वर्ष से भीलवाड़ा के कुछ चिन्हित स्थान जोरदास, हरणी, कृष्णवता की खेड़ी, कच्ची बस्ती में सर्वे करके उनके क्षेत्र की आवश्यकताओं की पहचान करके विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का सतत प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि ने इस अवसर पर अपने उद्बोधन में कहा कि शिक्षा आज समाज की महती आवश्यकता है। संस्था आपके समाज के विकास के लिए काफी मेहनत कर रही है, अतः आपको इनका हर प्रकार से सहयोग करके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आगे आना चाहिए। शाहपुरा नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष एवं भारतीय वॉलीबॉल संघ के राष्ट्रीय महासचिव अनिल चौधरी का संघ मुख्यालय चेन्नई व वेल्लूर पहुंचने पर वहां के वॉलीबॉल पदाधिकारियों व खिलाड़ियों ने भव्य स्वागत किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भीलवाड़ा महानगर का लक्ष्मीबाई नगर अभ्यास वर्ग संपन्न हुआ। महानगर मंत्री रोहित सिंह राणावत ने बताया कि अभ्यास वर्ग में प्रांत मंत्री गुज्जन झाला व विभाग संयोजक शंकर लाल गुज्जर का प्रवास रहा। आज ग्राम पंचायत पिथास में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की सड़क सुरक्षा एडवोकेसी योजना अंतर्गत सड़क सुरक्षा अग्रदूत प्रशिक्षण व हेलमेट वितरण कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मंडल प्रधान शंकर लाल जी कुमावत व स्थानीय सरपंच छोटू सिंह जी एवं गांव के कई जनप्रतिनिधि व क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। राजकीय स्नातकोत्तर विधि महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष किरण कुमार सालवी के नेतृत्व में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कुलपति महर्षि दयानंद सरस्वती अजमेर के नाम प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर विधि महाविद्यालय को LLB द्वितीय वर्ष के परीक्षा परिणाम में हुई गड़बड़ी को संशोधित करवाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। माहेश्वरी समाज श्री चारभुजा जी मंदिर ट्रस्ट में भीम प्रदोष व्रत के उपलक्ष्य में बड़े मंदिर में त्रयोदशी पुष्प नक्षत्र के विशेष पावन पर्व पर प्रातः 5 बजे चारभुजा नाथ का दुग्ध अभिषेक किया गया। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।